व्हाट यस इज सर। द बेसिस ऑफ सेलिंग कॉल, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्ट करते हैं? सर आई ट्राई टू गेट अराउंड 1% ऑफ द दिस अमाउंट। सो अगर 7 लाख का मैंने परचेज किया है शेयर, सो माई आइडिया इज आई शुड बी गेटिंग 7,000 के आसपास का वैल्यू। प्रीमियम? यस सर। तो यहाँ पे मैंने अच्छा 60 रुपये पे 200 किया, तो मैं ज्यादा थोड़ा पा रहा हूँ यहाँ पे, बट हाँ, अराउंड वही रहता है, 1% से थोड़ा ज्यादा। ओके okay. सो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज। वेलकम टू येट अनदर फेस टू फेस, एक और फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि मैं हर फेस टू फेस में बोलता हूं, इस फेस टू फेस से भी आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है। एकदम लास्ट तक देखिएगा, तभी पूरी लर्निंग को अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर पाएंगे। एक्चुअली एक बात है, जो लोग मुझे बोलते हैं कि सर पूरा 1 घंटा बैठते हैं, फिर उसमें से लर्निंग 2-4 ही मिलती है, तो क्या वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप देते हैं इतना वर्थ है? तो मैं वही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि हर इंसान के लिए लर्निंग अपने आप में यूनिक होती है। कोई लास्ट सेंटेंस में लर्निंग ले लेता है, कोई फर्स्ट सेंटेंस में लर्निंग ले लेता है। तो प्लीज कंजूसी मत करिए, उल्टे फुलटे वीडियोज देखते हैं, इससे अच्छा ये वीडियो देखिए, उससे आपको लास्ट तक कुछ अच्छा मिलेगा ही, कुछ जाएगा नहीं आपका। दोस्तों, एक और बात मैं हर बार कहता हूँ कि मिलेनियल्स, जो यंगर पॉपुलेशन है, यंगर जनरेशन है, 28, 29, 30 साल के, दे आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क इन आवर कंट्री। मुझे इतना प्राउड फील होता है कि अपना जो भारत है वो आने वाले सालों में इतना प्रॉस्पर करेगा, बिकॉज जो नई जनरेशन है वो हमको सिर्फ इंस्पायर नहीं करती है, हमको मोटिवेट भी करती है। इसीलिए मैं 45 साल का होने के बाद भी मुझे लगता है कि कितना कुछ सीखने को है, बिकॉज यंगस्टर्स आर डूइंग सो मच ग्रेट इन वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर दे आर डूइंग। दोस्तों, आज मेरे साथ एक यंगस्टर है, आपने गेस कर लिया होगा, और वो ऑलमोस्ट मेरी आधी उम्र के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इतना कुछ वो सिखा सकते हैं। उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता है कि एक 23 साल का बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है शेयर बाजार के अंदर में, इतना पैसा बना रहा है, और मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन द क्वांटम ऑफ मनी, आई थिंक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इतनी अच्छी है कि मुझे बहुत इंस्पायर किया, और मुझे लगा कि आपको भी इंस्पिरेशन दी जाए और उनसे बात की जाए। तो दोस्तों, फेस टू फेस का उद्देश्य यही है कि जितना हम लोगों से इंस्पायर हो सकें, जितना उनसे सीख सकें, उतना हम अपने शेयर बाजार की जर्नी को और बेटर कर सकें। तो लेट मी इनवाइट दिस गेस्ट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माय एज बट रियली इम्प्रेसिव, मिस्टर पाठी। हेलो, नमस्ते विवेक सर, नमस्ते एवरीवन हु इज वाचिंग दिस। नमस्ते। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी इन दिस प्लेटफॉर्म। मतलब मैं जब मेरा जर्नी स्टार्ट कर रहा था तब से फेस टू फेस देखता रहा हूँ। इनफैक्ट जिनसे मैं डायरेक्टली सीखा हूँ, इवन दे वर लॉन्च्ड इन फेस टू फेस रिसेंटली। सो आई एम इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी टू बी इन दिस प्लेटफॉर्म राइट नाउ। शायद हो सकता है कि जिनसे आपने सीखा हो वो मानते हैं कि आप उनके गुरु हो चले हैं, तो दैट्स व्हाई दे सजेस्टेड अस टू डू रिकॉर्डिंग विथ यू। बाय द वे, आपको देख के मुझे शाहिद आफरीदी की याद आ गई कि 15 साल 16 साल की उम्र में छक्के पे छक्का मार रहे थे वो, एंड ही ऑलवेज लुक टू बी एल्डर, बट लोगों को बिलीव ही नहीं होता था कि यार इतना यंग कैसे हो सकता है, इतना अच्छा खेल रहा है। तो सेम गोज विथ यू, यू आर 23 राइट? यस यस सर, आई एम 23। अमेजिंग यार, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग यार। इफ यू डोंट माइंड, आई एम गोइंग टू यूज योर सरनेम पार्टी टू इंटरेक्ट विथ यू। इज इट पार्टी और पार्टी? सर इट्स पति और यू कैन कॉल मी स्थिता और प्रज्ञा, वट एवर इज ओके, सो कन्वीनियंट। आई विल कॉल यू प्रज्ञान। ओके प्रज्ञान, सर। दैट्स अ इजियर नेम फॉर मी टू प्रोनाउंस। यस ओके, सर। सो एज द नेम सजेस्ट दैट यू मस्ट बी फ्रॉम उड़ीसा। यस सर, आई एम फ्रॉम ओडिशा। नाइस, सो देयर इज अनदर जेंटलमैन आई डिड फेस टू फेस, सुभाषिश, ही इज फ्रॉम आल्सो उड़ीसा, बट ही इज स्टेइंग इन बैंगलोर। वेयर आर यू स्टेइंग? I'm also like currently I'm in Bangalore and he stays very close to me in fact. अरे क्या बात है, उनका इन्फ्लुएंस आ रहा है क्या आपके ऊपर में? फैंटास्टिक। Awesome. सो इफ सुभाषिश इज वाचिंग दिस, आई एम श्योर ही विल फील प्राउड ऑफ यू दैट, आई मीन ऐसे तो हम लोग सब भारतवासी हैं, ऐसे ही मतलब, आई डोंट वांट टू क्लासिफाई रीजनली, बट इट्स ऑलवेज गुड फीलिंग टू गेट पीपल फ्रॉम रीजनल इंडिया, भारत जिसको कहते हैं, वहां से उठ के और बड़ा करते हैं मार्केट में।
टेल अस मोर अबाउट यू, आपकी जर्नी के बारे में बताइए, एंड देन विल गो डीपर इनसाइड योर स्ट्रेटजीज, एंड ऑल्सो आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी हमको दिखाएंगे, आप अपनी फैमिली का कैपिटल मैनेज करते हैं, सो वी लव टू शो हाउ मच मनी यू हैव मेड इन लास्ट 1.5-2 years, एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी एंड व्हाट हैज हेल्प यू टू डू व्हाट वी आर डूइंग टुडे. यस सर, आई एम बेसिकली अ कोविड ट्रेडर. बिफोर कोविड I just had a very little amount of investments, but in COVID, I was pursuing engineering, so I was in my second year when COVID hit, and also classes happened online. जी. So during that time, most of my friends went in the coding line because I was from IIIT, which is a in IT college. अच्छा प्रज्ञान, if you sorry to interrupt you, हिंदी में बात करें अगर चले, it's okay with you. सर आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश करते हैं. हाँ सर, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी बेस करते हैं और इंग्लिश आप यूज कीजिए, कोई बात नहीं है, बिकॉज हमारे लिए इजी हो जाता है हिंदी को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में ऑन यूट्यूब, बट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी इज रिलेटिवली टफ, बट इट्स ओके, मैनेज कर लेंगे. ओके सर, ओके सर. सो लाइक एज आई वाज सेइंग, आई एम फ्रॉम अ आईटी कॉलेज, आई एम फ्रॉम IIIT भुवनेश्वर, एंड व्हेन कोविड हिट ऑल क्लासेस हैपेंड ऑनलाइन, एवरीवन वेंट होम. So during that time, all of my friends went into the coding line, but I was never interested in coding. And मुझे हमेशा से maths से बहुत, I was very impressed with maths. In fact, if I can remember it right, class 7-8 में जब थोड़ा mathematics difficulty हो रहा था, like my friends were getting scared कि हाँ maths से we have to prepare all that. It was very easy for me. Genetically, I'll say I was very strong in maths from my childhood. And hence I was interested in whatever in whichever thing maths is involved, I was interested in that. And during COVID only, when I was at home, I got into the stock market line along with all others. Around 3 crore demat accounts have been opened since COVID, and my demat account was also opened during that time. अच्छा ये बताइए प्रज्ञान, maths का आपने बात छेड़ दी, sorry मैं बीच में interrupt बहुत करता हूँ, मैं please आप mind मत कीजिएगा. No issue sir, I know that. क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तभी मेरे mind में कुछ question आया, तो मेरे को लगता है पूछ ही डालो, है ना? हाँ sir, हाँ sir, of course. तो आपने कहा कि maths आपका passion था, है, और yes, market में आप अच्छा कर रहे हैं, तो कोई relationship according to you maths वालों को high chance है कि market में successful हो सकते हैं? नहीं सर, I won't tell that, but if you have maths, it's a bonus for you. Okay. Like if you're taking scalping trades or whatever trades which are having very short time period, उस टाइम पे कितना SL है, कितना अमाउंट आप दे सकते हो, you have to calculate that simultaneously in your head. So that will give an edge. And also if you use Greeks, if you're using Greeks, again maths will be helpful. If you are good at maths, you can calculate Greeks. आपका मतलब delta कितना है, gamma मतलब theta कितना है, you'll be able to calculate it better. Fair point. ठीक है. Sorry. Continue कीजिए. Yes sir. So at that time I went I started stock market trading. Initially I just had 10,000 rupees in my demat account, and I was doing equity trading. So जो भी मतलब YouTube पे आके जो फर्स्ट चीज दिखता है 5 minutes ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ओपन हाई ओपन लो ऑल दोस थिंग्स वही यूज करके मैं कर रहा था. एंड आई वाज इनटू बाइंग, मैं शॉर्ट सेलिंग नहीं ज्यादा कर रहा था, मैं बाइंग कर रहा था. एंड जब कोविड हिट था एंड मार्केट बहुत नीचे था, आई रिमेम्बर ईच डे व्हेन मार्केट वाज अराउंड 11-12,000, ईच डे 100-150 पॉइंट ऊपर जाता था. एंड I was doing equity trading, मुझे 5x leverage, 10x leverage मिलता था. So upstocks पे मैं करता था तो leverage मिलता था. And as each day market was going up by 100-150 points constantly, मेरा success rate बहुत ज्यादा था. So बहुत जल्दी ही मतलब मैं 10,000 का 30,000 बना दिया. But after that options का चुल मचने लगा. उसके बाद जब मैं देखा कि I am doing so well in equity, why not try my luck in options. And then option buying kiya, jo log Greeks ka thoda knowledge hai, Vix bahut zyada tha. So whatever options I was buying, they were going to zero very fast. And wo 30,000 bahut jaldi maine gawa diya. Then I started trying to figure out ki what went wrong, because I was very good in equity, what went wrong in options. And then I figured out ki, matlab mujhe pata chala ki there are a lot of mathematical
मॉडल्स विच आर इन्वॉल्व, लाइक मैथमेटिकल ग्रीक्स विच आर इन्वॉल्व, एंड बस डेल्टा के वजह से हमें ऑप्शन का प्राइस चेंज नहीं करता. देर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, थीटा है, गामा है, एंड इनफैक्ट वीगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी है. तो वो चार सीखने के बाद आफ्टर आई वॉज अ बिट मोर कॉन्फिडेंट आई आस्क माई फादर फॉर 5 lakh rupees. तो आई सेड कि आई विल डू ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज तब तक मैं फिगर आउट कर चुका था कि ज्यादा पैसा लूज नहीं किया, एंड आई हैड फिगर्ड आउट कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाना द प्रोबेबिलिटी इज हायर, इवन इफ द अमाउंट वॉन्ट बी अ वेरी ह्यूज नंबर, आप थोड़ा कम ही कमा सकते हैं इफ यू आर कंपेयरिंग विद ऑप्शन बाइंग, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी इज ऑन योर साइड. एंड उस टाइम पे मैंने पापा को बोला कि आप 5 lakh दो, अगर 1 lakh चला गया तो आई विल रिटर्न यू द 4 lakhs एंड थिंक ऑफ इट कि आई स्पेंट 1 lakh फॉर वट एवर आई नीड. तो वही 1 lakh अराउंड एक साल में 12 lakhs तक पहुंच गया कैपिटल. बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट जस्ट बिकॉज वी आर इन अ विक्स डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट, मैं स्क्रीन शेयर करके भी विक्स दिखाऊंगा कि कैसे विक्स 30 से अराउंड 12-13 तक आ गया. सो वट एवर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी पीपल यूज ड्यूरिंग दैट टाइम, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, इवन इफ इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर लक. जो ऑप्शन सेलिंग किए हैं 2021-22 इनफैक्ट 20 एंड में भी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लिया उस टाइम पे, मतलब आरओआई ज्यादा जनरेट कर लिया. इनफैक्ट सितंबर 2021 से पहले हमें इंट्राडे लेवरेज भी मिलता था 4x, सो दैट ऑल्सो आई यूटिलाइज्ड वेरी वेल. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज डूइंग इंट्राडे स्ट्रैंगलिंग, सो देर वॉज अ गेस्ट इन योर फेस टू फेस प्लेटफॉर्म, मिस्टर श्रेयस बंदी. आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, एंड उन्हीं का ही स्ट्रैटेजी में यूज करता था उस टाइम पे विद जस्ट 5 lakhs कैपिटल. एंड आफ्टर दैट, मतलब जब मैंने पापा को बोला कि 5 lakh का 7 lakh हो गया है वन फाइन डे, ही सेड कि बस दिखा रहा है स्क्रीन में, वी वोंट बी एबल टू विदड्रॉ दैट. तो पापा बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते, 40% बन गया है 3-4 महीने में. सो देन आई अगेन वो विदड्रॉ करके मैंने जब पैसा भेजा, देन ही न्यू कि हाँ ही इज डूइंग समथिंग, ऐसा नहीं खाली मैं ऐसा बता रहा है. एंड ग्रेजुअली आई इंक्रीज माई कैपिटल, लाइक फैमिली फंड्स, फैमिली भी सपोर्ट करता है, एंड आई एम हियर राइट नाउ. Awesome, lovely. So credit also goes to Shreyas for inspiring the younger generation. Very good guy, very sorted guy he is. Yes, so sir. Good. So Pragyan, definitely I would love to know कि कितना पैसा बना है, कैसे बना है. If you can share your books of accounts also, so that you know we know exactly how much money you have been able to make. And yes, sir. Let's go ahead with the strategy sharing also. Yes, sir. So let me share my screen. वैसे दोस्तों, जितने भी फेस टू फेस के गेस्ट आते हैं, उन सब का स्ट्रैटेजी का एक वो परखना कि वैसे स्ट्रैटेजी वर्केबल है कि नहीं, दूसरा उन प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं, और तीसरा क्या वो अच्छे इंसान है कि नहीं. ये सारी बातें का हम ध्यान रखते हैं बिफोर वी एक्चुअली इनवाइट समवन फॉर फेस टू फेस गेस्ट. कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं स्क्रीन पे अपना पीएल दिखाने में, कुछ लोग रिजर्व्ड होते हैं, कुछ लोग कैपिटल इतना हाई होता है कि उनको लगता है कि मैं नॉलेज शेयर करूंगा बट आप बोलोगे कि मैं अपने स्क्रीन पे पीएल वगैरह दिखाऊं तो मैं नहीं दिखाऊंगा. तो मैं अपने लेवल पे इवेल्युएट कर लेता हूं, बट डेफिनेटली मैं लोगों को फोर्स नहीं करता हूं, बिकॉज दैट्स नॉट द राइट थिंग. हम लोग सब एक दूसरे से सीख रहे हैं. यहां पर कोई किसी को क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है कि तुम सही हो तुम गलत हो. मैं तो वो नहीं कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं और आप सबको सिखा रहा हूं. तो मिस्टर प्रज्ञान ने, ही वॉज वेरी जेनरस, इन्होंने कहा कि सर मैं दिखा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. So that's why he is sharing his PL with us. So sir, I started this account in April 2022, and अभी तक का around 78 lakhs बना है F&O segment में, and equity segment में कुछ very minuscule कुछ profit है last year में 1.4 lakhs. Actually ज़्यादा profit था, but for tax harvesting मैंने एक बड़ा लॉस ले लिया, मतलब 3-4 शेयर में ले लिया. तो एंड बाकी सब अनरियलाइज्ड गेन्स में है. अच्छा, नाइस नाइस नाइस. तो ये अकाउंट आपने अप्रैल में चालू किया था, बेसिकली दिस बिलोंग्स टू योर फैमिली जिसमें लार्ज कैपिटल है, तो आपने कितना कैपिटल से चालू किया था? सर ये अकाउंट स्टार्टिंग मतलब जब हुआ था अप्रैल में, इट वॉज अराउंड 1 crore. ओके, 1 crore से ग्रेजुअली अराउंड ऑलमोस्ट 1 crore का प्रॉफिट है, एंड एडिशनल कैपिटल अभी है, मतलब सब मिला के अराउंड 4.5
5.6 ईयर कैपिटल बन चुका है। ऑसम ऑसम अमेजिंग अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। 23 साल की उम्र में ये करना बहुत बड़ी बात होती है। आई होप यू बिकम एज वन ऑफ द टॉप 100 ट्रेडर्स ऑफ आवर कंट्री, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, शुड आई प्रोसीड फॉर द यस प्लीज प्लीज, अपने स्ट्रेटजी अपने पीपीटी को बेस कर लेते हैं। आपने बहुत प्यारी पीपीटी बनाई हमारे लिए। लेट्स ट्राई टू यूज दिस पीपीटी फॉर आवर डिस्कशन। सो सर, टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्राडे डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। ओके, बिफोर वी प्रोसीड कैन यू जस्ट लेट मी नो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ बुलिश और अ बेरिश कैंडल, बिकॉज हमारा पूरा स्ट्रेटजी डिपेंड करता है कैंडल के ऊपर। वी डोंट हैव एनी अदर इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस और एनीथिंग। वी आर जस्ट गोइंग टू यूज कैंडल स्टिक्स। वी आर नॉट इवन गोइंग टू यूज रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वी आर जस्ट गोइंग टू यूज कैंडल स्टिक्स। ओके, सो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं जनरली विक जो होता है, जो ऊपर का विक और नीचे का विक, उसको देख के इवेल्युएट करते हैं। अगर नीचे विक बड़ा है तो नीचे से बाइंग हुई है तो बुलिश हो गया। ऊपर विक अगर बड़ा है तो ऊपर में सेलिंग हुई है तो वो थोड़ा बेरिश हो गया। एग्जैक्टली सर, सो यू गेव आउट द डेफिनेशन। मेरा एक खुद का डेफिनेशन है बुलिश और बेरिश कैंडल का, एंड उसी हिसाब से ही मैं ट्रेड लेता हूँ। आई विल टेल यू व्हाट दैट इज। सो वेन एवर अ कैंडल इज फॉर्म्ड, ये दो कैंडल अकॉर्डिंग टू यू, इन दोनों में से ज्यादा बुलिश कौन है? लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। इन दोनों में से ज्यादा बुलिश कौन है? आई थिंक द नेक्स्ट द अदर वन द नेक्स्ट वन द सेकेंड वन या सो द सेकेंड वन इज मोर बुलिश अकॉर्डिंग टू मी। व्हाई? बिकॉज हमें पता है ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ एंड इट क्लोज्ड एट इट्स हाई, बट व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है इस पॉइंट पे, बट देयर वाज ह्यूज सेलिंग, बट जस्ट बिकॉज द डिमांड वाज मच मोर देन द सेलिंग प्रेशर, द कैंडल क्लोज्ड एट इट्स हाई। ओके, हेंस दिस कैंडल विल बी मोर बुलिश देन दिस अकॉर्डिंग टू माय हाइपोथेसिस। एंड मैं बुलिश कैंडल वही मानूंगा, विच एवर कैंडल द हाई एंड द क्लोज ऑफ द कैंडल शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल। इफ दिस मतलब सेटिस्फाई हो रहा है ये कंडीशन, देन इट्स अ बुलिश कैंडल फॉर मी। ओके, सिमिलरली इफ द लो ऑफ द कैंडल एंड द क्लोज ऑफ द कैंडल आर ऑलमोस्ट इक्वल, देन इट्स अ बेरिश कैंडल फॉर मी। ओके, श्योर। या सो दिस कैंडल कैन बी रेड। ये रेड कलर का जो फर्स्ट सेकंड कैंडल है बुलिश का, ये इवन इफ इट इज रेड आई माइट कंसिडर इट बुलिश इफ द क्लोजिंग इज नियर द हाई। सो द कलर ऑफ द कैंडल इज ऑल्सो इमेटेरियल फॉर मी। आई जस्ट नीड द हाई एंड क्लोज और लो एंड क्लोज। इफ देयर almost equal to each other, then हमारा satisfy हो रहा है condition। Okay, so this is the alert candle for us, and whenever after any of this is formed, I forgot one thing, ये हम 15 minute time frame पे करेंगे। तो whenever of 15 minutes time frame पे हमें अगर ऐसा candle या फिर इन दोनों में से कोई भी candle मिल गया, this is an alert for us। तो उसके बाद there might be an entry, there might not be an entry। तो entry कब होगा? If the high of this candle is crossed, तो उसी time पे हमें entry मिल जाएगा। Okay। And similarly bearish candle का जब low break हो रहा है, entry मिल जाएगा। We are going to sell at the money options। अगर bullish candle के बाद हमें entry मिल रहा है, we are going to sell at the money put option। If bearish candle के बाद हमें मिल रहा है entry, we will sell at the money call option। Okay। So I have this, but ये पुराना डेटेड है। Just because I'm sharing share, मैं आज का मतलब दिखा सकता हूँ आपको डेटा, so that it will be better। बहुत सही होगा अगर आज का आप दिखाते हैं तो। हाँ सर, तो today was a expiry day। आज Tuesday expiry था Fin Nifty का, so I haven't traded this setup, but मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर entry मिला है या फिर मतलब कुछ मिला है स्टॉप लॉस या टारगेट अगर कुछ हुआ है, आई विल शो यू। एक मिनट, आपने क्यों नहीं ट्रेड किया? एक्सपायरी डेट ट्रेड नहीं कर दिया? हाँ सर, एक्सपायरी डेट ट्रेड करता हूँ सर। वंस नाउ जस्ट बिकॉज द कैपिटल इज सो हाई, आरओआई डजंट मैटर टू मी, मुझे अमाउंट मैटर करता है। सो एक्सपायरी डे पे आई ट्राई टू टेक वेरी सेफ पोजिशन टू मेक 0.5, 0.25 और 1% रिटर्न। इनफैक्ट एज भी अराउंड 1% प्लस बन गया है, बट एक्सपायरी डे पे आई गो फॉर मोर प्रोबेबिलिटी एंड लेस रिस्क। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस द स्ट्रैटेजी विच आई स्टार्टेड विथ, मतलब ये मैं इनिशियल डेज में भी किया, दैट वॉज वेन द कैपिटल वॉज लो एंड आई कुड टेक हाई रिस्क फॉर अ हायर रिवॉर्ड।
बट नाउ सिचुएशन इज सच कि मैं ज्यादा रिस्क लेके बहुत ज्यादा अमाउंट बनाने का मेरा इंटेंशन नहीं है. माय इंटेंशन इज टू ग्रेजुअली ग्रो माय कैपिटल. आई डोंट वांट एक्सेसिव ग्रोथ एंड ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ सिस्टम विद अ हिट रेट ऑफ अराउंड 60 or 65%. आई विल ऑल्सो टेल यू क्यों 60-65% है इवन इफ आई डोंट हैव एनी बैक टेस्टेड डेटा. मैं आपको मतलब प्रूफ कर दूंगा कि क्यों 65-70% या 60% इसका हिट रेट है. ओके, तो आज अगर हम निफ्टी का देखें, दिस इज फ्रॉम 9th वी आर स्टार्टिंग हियर एंड एक सेकंड मैं इसका ये चेंज. इट कुड बी एनी 15 मिनट्स कैंडल, राइट? नॉट नेसेसरी 9:15 टू 9:30. यस सर, वो भी एक रूल है. सो आई स्किप द फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल. आई डोंट ट्रेड ऑन द फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल. इट्स देयर इन द पीपीटी, आई विल टेल यू इवेंचुअली. जी जी हाँ सर. सो फर्स्ट एंट्री आपके हिसाब से सर, फर्स्ट एंट्री हमें कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस कैंडल, मतलब ये आज दिन का? जो आपने मुझे बोला है तो दिस इज बेसिकली जो सेकंड कैंडल है 15 मिनट्स का. परफेक्ट सर. इसी का अगर हम हाई टूटता है तो कर सकते हैं. हाँ सर. सो दिस वाज अ प्रॉपर एंट्री एंड हमें मिला है ट्रेड. हाँ सिमिलरली और कहीं पे आपको एंट्री दिख रहा है बट जो नेक्स्ट कैंडल का लो, हाँ हाँ सर, इसका लो टूटा है रेड वाला में, यहाँ पे के कर सकते हैं. हाँ नहीं सर, अनदर थिंग मतलब मैं आगे मेंशन करूंगा, द अलर्ट कैंडल इज वैलिड फॉर जस्ट 4 कैंडल्स. उसके बाद अगर ब्रेक हो रहा है इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो मूवमेंट पास हो चुका है. वहां पे बायर सेलर्स जो भी मतलब हमारे हिसाब से है वो चले गए, मतलब स्टॉप लॉस टारगेट हो चुका है. सो आर कैंडल इज वैलिड ओनली फॉर द नेक्स्ट 4 कैंडल्स. अगर अलर्ट है नेक्स्ट 4 में ही हमें क्रॉस करना है. ठीक है, तो चौथा नंबर जो कैंडल है वो भी उसी जैसा लग रहा है ये. राइट, ये भी कुछ वैसा ही है या ये भी है? हाँ ये भी एक एंट्री है. ये इसका जब हाई ब्रेक हुआ दिस इज ऑल्सो एन एंट्री. तो बहुत सारे एंट्रीज हमें बुलिश में मिले हैं, सिमिलरली बेरिश में भी उसके बाद मिले हैं. हाँ बरोबर है. हाँ सर, तो चीज बस इतनी सी है सर. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि 50% से ज्यादा हिट रेट इसका क्यों है. बिकॉज अगर किसी भी कैंडल पे हम अगर बाय या सेल कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी की, लेट्स से हम बाय कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का 50% है, नीचे आने का भी 50% है. अगर हम नेक्स्ट 1000 कैंडल देख ले वो 50-50 आएगा, 500 कैंडल ऊपर गए 500 कैंडल नीचे गए. Okay. बस बट वी आर नॉट ट्रेडिंग ऑन एनी रैंडम कैंडल. हमारा एक हमने सेट कर लिया कि हम एक बुलिश कैंडल पे ही ट्रेड लेंगे. तो ओनली दिस, ये जो हमारा कंडीशन है कि हम बुलिश कैंडल आफ्टर डिमांड हमें दिख चुका है कि मार्केट में डिमांड है, उसके बाद हम जब पोजिशन ले रहे हैं उसी पे, सो द प्रोबेबिलिटी कि ये कंटिन्यूएशन रहेगा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है. सो 50 से हम मे बी 55-60 तक पहुंच जाएंगे. सो हिट रेट इसलिए 60% ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है कि 50% नीचे भी जा सकते हैं किसी भी कैंडल के बाद. सो दिस इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी, मतलब अराउंड 60% टाइम काम करेगा, 40% टाइम काम नहीं करेगा. ओके, सो ये मैं पहले से ही बता रहा हूं कि मतलब जो भी लोग देखेंगे 50% से ज्यादा लोग यही चाहेंगे कि वो उन्हें होली ग्रेल स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, क्या करने से पैसा मिलेगा. मैंने भी बहुत कोशिश की पर वैसा नहीं मिलेगा. आपको रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी वो सब मेंटेन करने के बाद ही यू कैन बी प्रॉफिटेबल. इतना स्ट्रेटजीज पे आप एट ए टाइम ट्रेड करते हैं? सर 4 स्ट्रेटजी मेरे बेसिक है. मैं एक ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी करता हूँ. ओके, वो मैंने सीखा है मिस्टर रंजित महांति से. ही वाज आल्सो देयर इन फेस टू फेस. इनफैक्ट वो भी हमारे घर के पास भुवनेश्वर में रहते हैं. आई लर्न दैट फ्रॉम हिम. इंट्राडे स्ट्रैंगलिंग आई लर्न फ्रॉम श्रेयस सर, श्रेयस बंदी. एंड ये जो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है ये मैंने सुभाषिस सर से ही सीखा है. अच्छा, सो क्या बात है, आप तीनों ही फेस टू फेस वालों से सीखे हैं और अब आपका फेस टू फेस हो रहा है, दिस इज सो गुड यार. हां सर, तो वही. एंड अदर देन दैट, जस्ट टू डाइवर्सिफाई माय रिस्क अक्रॉस अदर एसेट्स, मैं थोड़ा मतलब पोजिशनल भी करता हूँ स्टॉक ऑप्शंस पे, जिसका भी मतलब यू मे अंडरस्टैंड आईवी हाई है तो मैं थोड़ा शॉर्ट बॉल खेलता हूँ. ओके, ऑन स्टॉक्स तो बहुत रिस्की है. हां सर, बट कैपिटल एलोकेशन सही होना चाहिए. इफ आई हैव 10 लाख्स एंड मैं 1 लॉट कर रहा हूँ देन इट्स
वन शुड नॉट बी वरीड, क्योंकि आपका पोजिशन साइजिंग सही है। अगर 10 लाख पे मैं 5 लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि 5 लॉट का मार्जिन ही, मतलब 10 लाख पे 5 लॉट ले सकते हैं, देन आई एम प्लेइंग इट रॉन्ग, क्योंकि एक अगर 5-10% का मूव है एंड आई लूज अ सिग्निफिकेंट सम। समझ गया। हाँ सर, तो इस पे ये इतने सारे ट्रेड आ रहे हैं, आज ही आए हैं। हाँ सर, बंदा ट्रेड कितना करेगा और क्या पोजीशन पे ट्रेड करेगा? सर स्लाइड में सब सब एक एक बार चले चले आगे बढ़ते हैं, स्लाइड में चलते हैं। हाँ सर, तो पहले मैं आपको पूरा ये और एक बार दिखाई देता हूँ कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा। तो ये जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे, ये हम स्पॉट चार्ट पे रखेंगे। तो मान लीजिए यही ये बुलिश कैंडल पे हमने ट्रेड किया। जस्ट गिव मी वन सेकंड। मान लीजिए यही बुलिश कैंडल पे हमने ये वाला कैंडल पे ट्रेड किया। तो दिस कैंडल इटसेल्फ इज अराउंड 16 पॉइंट्स। ओके, तो इसमें जब ये हाई क्रॉस हुआ, हमें बस एट द मनी पुट, अभी स्पॉट है 18,334, सो मे बी 18,300 या 18,350, यू कैन गो विथ विच एवर यू लाइक। उसके बाद पुट सेल करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस स्पॉट पे रह जाएगा 5 पॉइंट्स बिलो दैट कैंडल। 5 पॉइंट्स बिलो दी कैंडल लो। यस सर, तो अराउंड यही पॉइंट पे रह जाएगा। बहुत लंबा स्टॉप लॉस है। हाँ सर, टारगेट भी उसी हिसाब से हम बढ़ा ही रखेंगे। तो ये कैंडल का साइज क्या है? अब मैं इंटर करूंगा, ऑब्वियसली हाई टूटने के बाद इंटर करूंगा। यस सर, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 21 पॉइंट्स का अराउंड आ जाएगा, 20 पॉइंट्स का। आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, एवरेज स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का होता है? सर अभी तो एवरेज स्टॉप लॉस बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वीक्स इज एट 12, बट 3-4 मंथ्स बैक द कैंडल्स, मतलब स्टॉप लॉस अराउंड 40 पॉइंट्स, स्पॉट पे अराउंड 40 पॉइंट्स पे रहते थे, 30-40 पॉइंट्स के रेंज पे रहते थे। ओके, राइट नाउ मतलब जस्ट बिकॉज वीक्स कम है, कैंडल लेंथ भी बहुत कम, तो स्टॉप लॉस हमें छोटा मिलता है। ठीक है, व्हिच इज गुड और बैड? सर इट डिपेंड्स, मतलब कुछ लोग होते हैं कि उन्हें जल्दी प्रॉफिट चाहिए, जल्दी निकल जाएंगे। तो वो साइकोलॉजी भी वहीं पे आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो पूरा होल्ड कर सकते हैं अपना विनिंग ट्रेड्स को, तो अगर छोटा स्टॉप लॉस है तो टारगेट मिलने का संभावना थोड़ा जल्दी हो जाता है, अगर छोटा टारगेट है जल्दी मिल जाएगा। बट विक्स के मतलब अकॉर्डिंगली, क्योंकि मूवमेंट भी स्लो ही होगा, बट एम टू एम फ्लक्चुएशन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा ही है। समझ गया मैं। हाँ सर, तो इफ, हाँ मतलब मैं जैसे आपको समझाया था, हमें स्पॉट पे 5 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, एंड उसी हिसाब से स्पॉट पे ही हमें उसका 1.5 टाइम्स हम टारगेट लेंगे। तो अगर 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, आवर टारगेट शुड बी 30 पॉइंट्स फ्रॉम द हाई। सो इफ दिस हाई इज एट 18,334, आवर टारगेट आइडियली 18,364 पे आएगा, तो अराउंड दिस लेवल पे हमारा टारगेट होता। ओके, जो कि अचीव नहीं हुआ, ये स्टॉप लॉस हो गया ये आज। ओके, तो दैट इज मतलब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लंबा स्टॉप लॉस नहीं है, मतलब लंबा टारगेट नहीं है। यस सर, मतलब वो भी सर एक्सपीरियंस के बाद, आफ्टर मतलब थोड़ी दिन के बाद, इफ वन पर्सन इज डूइंग इट रेगुलरली, उसको पता चल जाएगा कि अगर विक्स है 12 पे, इंट्राडे मूवमेंट 100 पॉइंट्स के रेंज पे हो रहा है, एंड देयर इज अ गैप अप, एंड ऑलरेडी इतना मूव आ चुका है, आइडियली वन शुड नॉट बी डूइंग इट। वो सर कल का में चलते हैं, आज का हुआ ना, कल का में देखें। ओके सर, ओ माय गॉड, कल भी तो इतना गैप अप हो गया। हाँ सर, कल भी गैप अप है, एंड फर्स्ट 15 मिनट्स तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा अगर यहाँ पे ट्रेड करें तो। हमें हमको मिलेगा ट्रेड कब फिर? यहाँ पर तो ट्रेड मिला नहीं सर, सेकंड कैंडल पे ऑलमोस्ट एंट्री है। सेकंड कैंडल पे एंट्री कैसे हो तो शॉर्ट मतलब एंट्री है ना? हाँ सर, ये मतलब 4 पॉइंट का ही डिफरेंस है, 4 पॉइंट से नीचे। सो वो डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव, मतलब मेरे हिसाब से ये बुलिश है क्योंकि हाई के पास है। हम अगर पूरा बॉडी रखेंगे, पूरा बॉडी है अराउंड 20 पॉइंट्स का, एंड दिस इज जस्ट 4 पॉइंट्स। अच्छा, तो 4 पॉइंट्स डिफरेंस इज 1/5, 20% ही डिफरेंस है। तो मतलब ऐसा कुछ मैथमेटिकल मैंने किया नहीं है, बट अगर बुलिश दिख रहा है, वन कैन टेक एंट्री। बट हम अगर एक परफेक्ट कैंडल देखें तो दिस इज अ परफेक्ट एंट्री,
ये पूरा हाई पे क्लोज है। एंड यहाँ पे मैं क्यों 5 पॉइंट नीचे भी बता रहा था, क्योंकि वोलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई कीप अ बफर रेंज, क्योंकि ये सेकंड कैंडल ही मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके गया है कंटिन्यूएशन। इसको ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं? ऑटोमेट कर सकते हैं सर, इनफैक्ट मतलब मैं जानता हूँ जो ये स्ट्रेटेजी ऑटोमेट करके कर रहे हैं। ओके, बिकॉज मतलब कैंडलस्टिक एक तो होता है ना सब्जेक्टिविटी वाला एंगल, ठीक है, ऑटोमेट करने से हम कई पैटर्न्स को मिस कर जाएंगे बिकॉज कैंडलस्टिक में थोड़ा सब्जेक्टिविटी आ जाती है कई बार। हाँ सर, हाँ सर, बट ऑटोमेट पर ये कर सकते हैं क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट पूरा रूल बेस्ड है, मैंने पूरा रूल ही बना दिया है, बिकॉज अगर इमोशनली हम खेले तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट अ 1:1.5 और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, तो पूरा रूल ही बना ले, रूल के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो आई हैव मेड अप माय माइंड कि अगर टारगेट आया टारगेट आया, अगर स्टॉप लॉस आया स्टॉप लॉस आया। ओके, सो दिस वाज मतलब आपको मैं दिखा रहा था कि ट्रेड गया है ये वाला। ओके, यस सर, तो टारगेट हम इनिशियली जस्ट बिकॉज जो बंदा ये स्टार्टिंग से मतलब करेगा, अगर इफ द टारगेट इज 1.5 टाइम्स द एसएल वैल्यू राइट नाउ, वो भी बहुत बड़ा है साइकोलॉजिकली, टू बी दैट स्ट्रॉन्ग टू होल्ड टिल 1:1.5 इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन हु इज एंटरिंग, क्योंकि मेरे साथ ये सेम चीज हुआ था, मुझे भी मुश्किल लग रहा था, आई वॉज एग्जिटिंग मतलब 1:1 भी नहीं हुआ है रिस्क रिवॉर्ड, आई वॉज एग्जिटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि हर बिगिनर करता है, मतलब जब स्टॉप लॉस हो रहा है आई वॉज होल्डिंग एंड जब टारगेट नहीं हुआ तभी बुक कर रहा हूँ, छोटा प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ बड़ा लॉस ले रहा हूँ, सो ये प्रॉब्लम होता है। सो वन हैज टू ये पूरा माइंड मेकअप करना पड़ेगा, हार्ड वायर करना पड़ेगा कि जब तक 1:1.5 नहीं आया है आई विल नॉट एग्जिट, ठीक है। सो तो अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है बंदा या फिर ही कैन ट्रेन हिमसेल्फ टू बी दैट स्ट्रांग, देन ओनली ही विल बी प्रॉफिटेबल यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, नहीं तो काम नहीं करेगा, लॉस ही होगा। ओके, यस सर, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एट द मनी का कॉल या पुट बेचेंगे डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, तो बेचने से क्या फायदा होगा सर? द सेम थिंग कैन बी डन फॉर ऑप्शन बाइंग एज वेल, मतलब हम बाई करके भी वहां पे कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा कंफर्टेबल, मैं जब प्रॉफिटेबल हुआ आई वाज सेलिंग ऑप्शंस, सो ऑल ऑफ माय स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन सेलिंग साइड ओनली, आई यूजुअली डोंट बाय ऑप्शंस। जैसे तेजी के अंदर में पुट बेचना इज अ वेरी नेचुरल थिंग बिकॉज फिर तो क्या वॉल का भी आपको बेनिफिट मिलता है, एग्जैक्ट, बट अगर नीचे गिर रहा है कॉल बेचना थोड़ा रिस्की नहीं होगा बिकॉज नीचे प्राइस गिरेगा वॉल बढ़ जाएगा तो आपका बेचा हुआ पूरा नेगेट हो सकता है। यस सर, बट एट द मनी पे डेल्टा का सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है कि अगर मतलब वीगा मतलब जो विक्स है आप जो बोल रहे हैं वॉल बढ़ेगा, अगर इतना सिग्निफिकेंट अप नहीं हुआ है देन डेल्टा विल ज्यादा पावर हो जाएगा डेल्टा का, एंड यही मतलब यही ग्रीक्स को, एंड अगेन सर प्रोबेबिलिटी का चीज, कितने बार जब गिरेगा वीगा इतना बढ़ेगा कि डेल्टा को खा जाएगा, तो दैट इज वेरी लेस लाइकली। अगर 50 पॉइंट्स का डाउन मूव आ रहा है एट द मनी कॉल ऑप्शन शुड आइडियली मतलब लूज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सम, ठीक है, बट ये प्रोबेबिलिटी का चीज है, मतलब देयर माइट बी अ केस कि साल में एक बार आया कि 100 पॉइंट मतलब गिर गया बट कॉल ऑप्शन बढ़ गया है, दैट इज अ थिंग, बट उस टाइम पे हम स्टॉप लॉस लेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस तो स्पॉट पे नहीं आएगा, ऑप्शन पे हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। सो आई टेल यू ऑप्शन पे भी हम कैसे स्टॉप लॉस डालेंगे, क्योंकि जैसे आपने बोला कि अगर वॉल बढ़ गया एंड स्टॉप लॉस मतलब स्पॉट पे हमारे डायरेक्शन में गया है तो हमें ऑप्शन पे तो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन कैन गो टू 1000 rupees एज वेल विद स्पॉट नॉट मूविंग इफ वी गाइज मल्टीप्लाइंग बाय 100 times और समथिंग। तो मैं आपको यही यही कैंडल का ही आपको मैं एग्जाम्पल दिखा था, आज का ये कैंडल का मैं दिखा देता हूँ, यही कैंडल पे अगर हमने ट्रेड लिया, सो दिस कैंडल इज अराउंड 15 पॉइंट्स, तो हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, दिस वाज एट 10:30, सो लेट्स चेक 18300 पुट ऑप्शन, 18350 पुट ऑप्शन, उसका क्या था प्राइस, सो 18350 पुट ऑप्शन, इफ यू गो टू 1 minute चार्ट, तो 10:30 पे इसका प्राइस, तो एट अराउंड 10:30 इसका प्राइस था अराउंड 70 rupees, 70 rupees के आसपास चल रहा था, सो इफ स्पॉट पे हमारा स्टॉप लॉस है अराउंड 20 पॉइंट्स का, दिस इज एन एट द मनी ऑप्शन, तो इसका डेल्टा है 0.5, सो अगर 20 पॉइंट्स मूवमेंट आ गया स्पॉट पे, आइडियली इफ अदर ग्रीक्स आर नॉट ऑल्टर्ड
ये वाला ऑप्शन 10 रुपए से ज्यादा बढ़ना चाहिए, अगर ये 20 रुपए घटा तो ये ऑप्शन 10 रुपए बढ़ेगा, बिकॉज डेल्टा ऑफ दैट ऑप्शन इज 0.5, तो हम 0.5 मल्टीप्लायर कर लेंगे. द अदर थिंग इज जब ये एट द मनी से स्लाइटली इन द मनी होगा तो 0.5 से वो वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा, 0.5 से जस्ट बिकॉज ऑफ गामा, 0.5 से 0.51 होगा, 52 होगा, 55, 0.6 तक जाएगा. तो उसके लिए मैं कैलकुलेशन जब करता हूँ मैं 0.55 मल्टीप्लायर लेता हूँ. तो इफ आई हैव शॉर्टेड दिस ऑप्शन फॉर 70 एंड माय स्टॉप लॉस इज ऑफ 20 पॉइंट्स, मैं 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा ऑप्शन चार्ट पे. ओके, इंस्टेड ऑफ 10 पॉइंट मैं 11 पॉइंट का दूंगा. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, वो मतलब ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, बट दैट इज हाउ आई डू द थिंग्स. तो इफ आई हैव शॉर्टेड फॉर 70, मेरा स्टॉप लॉस अराउंड रहेगा 81 के आसपास, एंड मेरा टारगेट उसी हिसाब से 11 पॉइंट्स इज द स्टॉप लॉस, माय टारगेट विल बी 16.5 व्हिच इज 1.5 टाइम्स ऑफ 11. तो इफ आई हैव शॉर्टेड फॉर 70 माय टारगेट इज अराउंड 55 के आसपास मेरा टारगेट आएगा, विच वाज नॉट अचीव टुडे. मतलब ये तो शायद 58 तक गया एंड ये स्टॉप लॉस ही हो गया उसके बाद. ओके, यस सर. तो क्या इसका 60% एक्यूरेसी है? यस सर, अराउंड मतलब मैंने जितना किया है मेरा तो थोड़ा मतलब जितना पूरा तो मेरा नहीं है, क्या बोलते हैं, अकाउंट्स नहीं है, बट 50 से मतलब 60 से ज्यादा है. मैं बोलूंगा अराउंड 60-70 के बीच में रहना चाहिए आइडियली. ये पूरा मतलब सिंपल गेम है, पूरा गेम प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड का ही है. इफ यू हैव मोर देन 50% भी प्रोबेबिलिटी एंड इफ यू हैव अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:1.5, After 100 trades, you'll definitely be profitable, even after all the government charges, obligations, everything. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ सर. After the trade dynamics, मतलब हमारा stop loss and target हो गया. Here, मतलब ये यहाँ पे मैंने बस entry हुआ था कहाँ पे मैं दिखाने के लिए screenshot रखा था, but I showed the same thing chart पे दिखा दिया मैंने. तो और एक सर हमारा रहता है क्राइटेरिया, कैंडल लेंथ क्राइटेरिया. तो इफ कैंडल लेंथ इटसेल्फ इज मोर देन 0.3 or 0.4%, देन इंट्राडे में उसका 1.5 टाइम्स मिलना ही हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा. सही बात है. तो अगर कैंडल लेंथ इज मोर देन 0.3-0.35% ऑफ द एसेट वैल्यू, आई ट्राई टू नॉट ट्रेड दैट. मतलब अगर 10,000 का हमारा एसेट है, मान लीजिए निफ्टी 10,000 पे है, इफ मतलब 30 पॉइंट से ज्यादा का ज्यादा बड़ा कैंडल है, आई विल ट्राई नॉट टू ट्रेड दैट, क्योंकि उसके बाद और उतना उसी डायरेक्शन में 1.5 टाइम्स मूव करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, वहां से मीन रिवर्शन होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है. तो इसलिए इफ द 0.3 या 0.4% एसेट वैल्यू से ज्यादा है कैंडल, आई विल ट्राई टू इग्नोर दैट, क्योंकि मतलब स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा. मतलब गैप अप गैप डाउन अगर आ गया, हाँ सर, तो फिर आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो उस दिन ट्रेड मत करो. नहीं सर, नॉट नेसेसरी. Gap up, gap down is not unnecessary. मतलब वो okay. Yes sir. It's not about gap up, gap down. It's about the candle size, which is preceding the candle जिसमें आप काम कर सकते हैं, या जो candle yes, में काम करने को दिख रहा वो बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर है? Yes sir. So alert candle मैंने जो आपको बताया था starting में, alert candle should not be more than 0.3% of the asset. Got you. मतलब बैंक निफ्टी हम अगर देखें तो अराउंड 100-120 पॉइंट्स होना चाहिए, क्योंकि अभी 40,000 है, 40-42,000 कुछ भी है बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी अगर 18,000 है तो उसी से 50 पॉइंट से ज्यादा अगर बड़ा हो गया तो इट विल एक्सीड 0.3%. सो आई विल नॉट ट्रेड एनी कैंडल विच इज अबव 55-60 पॉइंट्स. ठीक. उसके बाद सर आ जाता है पोजिशन साइजिंग क्राइटेरिया. इफ वी वॉन्ट टू इवेंचुअली ग्रो द कैपिटल एंड बड़ा, मतलब एक बार में बड़ा बेट नहीं लेके इवेंचुअली हम ग्रो करेंगे, हमारा पोजीशन साइजिंग ऐसा होना चाहिए कि जो हम स्टॉप लॉस डिफाइन किए हैं दैट शुड नॉट बी मोर देन 1% ऑफ आवर कैपिटल. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक एग्जांपल ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के अराउंड जो भी आते हैं, अगर बायर्स है तब तो काम होगा, बट सेलर्स या फिर मतलब नॉर्मल लोग अराउंड 10 लाख का कैपिटल बेस रख के चलते हैं. सो फॉर दिस एग्जाम्पल कैपिटल मैंने 10 लाख लिया है. सो 1% ऑफ 10 लाख इज 10,000 रुपीज. एंड उसी हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर स्टॉप लॉस हमारा ऑप्शन पे 20 पॉइंट का है तो वी आर लूजिंग 1,000 रुपीज पर लॉट, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज है 50. तो 50 के लॉट पे वी आर लूजिंग 1,000 पर लॉट. सो इफ 1,000 इज व्हाट वी आर लूजिंग ऑन अ सिंगल लॉट, हम मैक्स 10 लॉट ले सकते हैं, क्योंकि 10,000 इज द मैक्स रिस्क एपेटाइट विच वी हैव.
तो पोजिशन साइजिंग सोच भी सच की हम उतना ही मैक्स लूज करें, उससे ज्यादा लूज ना करें, बिकॉज इफ उससे ज्यादा हमने लूज करें, मतलब यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है, इमोशनली हम इम्बेलेंस थोड़ा हो जाता है, अगर एक बड़ा सम हम लूज कर दें उसके बाद रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, मतलब फालतू में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी ट्रेड लेके रिकवर करने का कोशिश कर, दैट माइंडसेट कम्स। बट इफ यू हैव फिक्स की 1% ही लूज करूंगा, हार्डवायर कर ले अपने ब्रेन को कि 1% लूज करूंगा, देन इट गिव्स अ पीस कि हाँ 10,000 ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। समझ गया। तो दैट इज द पोजिशन साइजिंग क्राइटेरिया। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, माई मेंटर्स हु आई एम फॉरएवर थैंकफुल, ये तीन जन जिनको मतलब मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, रंजित सर, शुभाशीष सर एंड श्रेयस सर, इनसे ही मैंने सारा चीज सीखा है। एंड इनफैक्ट शुभाशीष सर एंड श्रेयस सर एंड रंजित सर तीनों ही यूट्यूबर्स हैं, तो ऑल ऑफ देम हैव यूट्यूब चैनल्स एंड इतना नॉलेज है उनके चैनल पे, आई विल टेल, मैंने कुछ पेड ये कुछ किया नहीं है, किसी का मतलब 50,000 या 1,00,000 देके सीखा कुछ नहीं किया है, सब मतलब आपका तो ऑफकोर्स फेस टू फेस भी मैं देखता हूँ, एंड रंजित सर का रंजित सेल्फ फुल वीडियोज, सुभाशीष सर का पावर ऑफ स्टॉक्स एंड श्रेयस सर वॉज मेकिंग वीडियोज इन निफ्टी बीएन, यही तीनों से मैंने अपना सारा नॉलेज गैदर किया है। एंड अगर कुछ भी मतलब इम्पैक्ट पड़े किसी पे भी, अगर कुछ सीखना चाहते हो, श्रेयस सर एंड सुभाषी सर, तो मतलब श्रेयस सर का बहुत वीडियोज है, अराउंड 200 वीडियोज, एंड सुभाषी सर तो डेली डालते हैं, वन कैन वेरी इजिली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर चैनल, एंड मैं आपके मतलब यही वीडियो पे उन्हें भी बोल दिया, क्योंकि आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, एंड इतना अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज मैं उनसे सीख पाया, सो दैट इज व्हाई आई हैव मेंशनड देम इन माय पीपीटी एज़ वेल। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा मुझे बताइए, ये तो वो एक स्ट्रेटजी जो आप करते हैं, आप अभी भी कर रहे हैं स्ट्रेटजी पे काम? यस सर, आई ऑन नॉन एक्सपायरी डेज आई ट्रेड दिस स्ट्रेटजी। नॉन एक्सपायरी डेज, तो उसके अलावा आपने कहा कि तीन और स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं, करेक्ट? यस सर। सो कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट ऑल दोस? श्योर सर, बिकॉज विद सो मच 4 करोड़ है ना आपका, yes, ना आप अगर कैपिटल कर रहे तो खाली स्ट्रेटजी में तो हो नहीं सकता, बिकॉज स्ट्रेटजी में उतना बड़ा स्कोप नहीं है कैपिटल डिप्लॉय करने का। यस सर, यहाँ पे मतलब कैपिटल 1% अगर हम लूज करें तो वी कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन 10% या 5-7% ऑफ आवर कैपिटल, राइट? तो उसके अलावा आई डू ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी। सो ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी वेरी सिंपल, अगर इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, मैं स्टॉक्स खरीदता हूँ एंड उनके कॉल बेचता हूँ, या फिर इफ आई वॉन्ट टू एक्वायर अ स्टॉक एट अ चीपर रेट, आई सेल पुट्स, ओटीएम पुट्स बेचता हूँ, अगर एक कोई एक महीना वो पुट इन द मनी चला जाता है, आई स्क्वायर ऑफ दैट पोजीशन एंड आई बाय शेयर्स, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट सेलिंग कॉल्स। ओके, तो दैट इज ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी जो मैं अप्लाई करता हूँ। एंड आज एक स्टॉक का एग्जांपल लेके बताइए जो आपने किया और उसका डिलीवरी आ गया, उसका कॉल बेच रहे हैं आप। ओके सर, तो मतलब अगर देखे डिक्सन, ठीक है, डिक्सन, डिक्सन आई परचेस्ड फॉर 2700 रुपीज एंड उसका मैंने दो लॉट मतलब 250 क्वांटिटीज मेरे पास शेयर है, तो 250 क्वांटिटीज का कॉल भी सेल है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का? 3100 का। 3100। सो आई हैड, क्या अभी प्राइस अराउंड 2900 3000 के आसपास था, 2890, सो 2900 है प्राइस। तो आई डोंट, अगर वो प्राइस गिर जाता है तो आप कॉल बेचते रहेंगे? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेलिंग कॉल, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्ट करते हैं? सर आई ट्राई टू गेट अराउंड 1% ऑफ द दिस अमाउंट, सो अगर 7,00,000 का मैंने परचेज किया है शेयर, सो माय आइडिया इज आई शुड बी गेटिंग 7,000 के आसपास का वैल्यू प्रीमियम। यस सर, तो यहाँ पे मैंने 60 रुपए पे 200 किया, तो मैं ज्यादा थोड़ा पा रहा हूँ यहाँ पे, बट अराउंड वही रहता है, 1% से थोड़ा ज्यादा। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। द अदर स्ट्रेटेजी जो इंट्राडे स्ट्रैंगलिंग है, जो मैंने शेयर्स सर से, ये रंजित सर का स्ट्रेटेजी है, okay. जो मैंने बताया ये रंजित सर का स्ट्रेटेजी है, जो इंट्राडे स्ट्रैंगलिंग मैंने स्ट्रेटेजी बताया जो शेयर्स सर से सीखा हूँ, सो दैट आई अप्लाई ऑन एक्सपायरीज, तो एक्सपायरीज पे जो ओटीएम ऑप्शन रहते हैं वो जीरो हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम फुल कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं, अगर आप क्या मतलब सिस्टम के सामने पूरा टाइम है, बिकॉज दिस ये भी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है इफ आपका स्ट्राइक इन द मनी चला गया एंड इफ यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस का कुछ सिस्टम मतलब स्टॉप लॉस नहीं है, यू हैव टू एडजस्ट योर पोजीशंस। तो एनीवन हु हैज बेसिक आइडिया अबाउट स्ट्रैंगलिंग, तो आपको मतलब डिपेंडिंग अपॉन मार्केट मूवमेंट आपको कॉल पुट ऊपर नीचे करना पड़ता है,
So if anyone wants to learn this, because this one of the strategies which can be applied with larger capital as well, if risk management check pe hai. Ek baar quickly bata do ye kya karte hai usme. Yes sir. So matlab maan lijiye aaj market khula 19,360 pe. Fin Nifty. So what is my target on expiries? I try to make 0.2 to 0.5%. Itna ke beech ka mera target ye financial year pe maine set kiya hai. Because this financial year we know we have 8 expiries. So even if we are making 0.25% per expiry, mahine ka 2% ho jayega, which is more than sufficient. Matlab mahine ka 24 matlab mahine ka 2% matlab saal ka 24% ho raha hai. Bahut kam log honge jo 24% consistently CAGR mein kar rahe hain. 24% CAGR. So my target is very minimal 2%. And मतलब ये भी मैं आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल कि जस्ट बिकॉज लोग कैप मतलब रखते हैं उनका टारगेट ज्यादा, उसी के कारण ही लोग ज्यादा लोग पैसे लूज करते हैं इवेंचुअली. एंड इवेंचुअली जब आपका मतलब कम हो जाएगा टारगेट एक्सपेक्टेशन, ड्रॉडाउन भी उतना कम ही होगा एंड लॉस भी उतना कम ही होगा. ओके, सो दैट इज वन थिंग. सो मतलब कोई भी बिजनेस 20-30% से ज्यादा नहीं दे रहा. एंड इफ आई एम यूजिंग प्लेज मनी, मेरा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम एबल टू मेक 20-25% ऑन दैट अमाउंट. इट इज मोर देन 30-35%. इसको थोड़ा एलैबोरेट करो ना, ये स्ट्रेटजी आप कैसे डिप्लॉय कर रहे हो लाइक? ठीक है सर. सो ये स्ट्रेटजी टुडे वी ओपनड एट 19,360. हां, सो आई नीड टू मेक अराउंड 5-6 पॉइंट्स टोटल ऑन माय फुल कैपिटल टू मेक 0.25 से ज्यादा परसेंटेज. ओके, so I'll try to sell ₹3, ₹3 or ₹4, ₹4 options on both sides. Okay. उसके बाद I'll just try to follow the market. Okay. Market जब धीरे-धीरे ऊपर जा रहा था, I kept shifting off my puts. And in fact, एक time पे मैंने call को भी loss लेके ऊपर लिया था मैं. Okay. But ये सर मतलब doing it in scale यहाँ पे बहुत सारे orders हो जाएंगे. मतलब आज ही मैंने around 1400 order place किए हैं. So it won't be मतलब around 40,000 का charges ही आ जाएगा. ए बावरे, तो आप intraday के लिए आप zero brokerage क्यों नहीं use करते हैं? Sir again मतलब वो मतलब जैसे Finvest का भी issue हुआ, Zerodha is more stable than any other broker which I could think of. And मतलब इसका interface के साथ मैं इतना comfortable हो गया हूँ, I don't want to shift right now. Okay. तो जीरो ब्रोकर यूज करने से आई विल वेरी इजीली सेव क्वाइट अ फ्यू मतलब ज्यादा अमाउंट सेव कर पाऊंगा. बट आई डोंट वांट टू रिस्क माय कैपिटल जस्ट बिकॉज़ आई वांट टू सेव अ फ्यू पेनीज. आई डोंट वांट टू रिस्क माय कैपिटल. अगर कुछ इशू हो, आई एम सरप्राइज्ड एक्चुअली. मैंने ट्वीट भी किया था, ये कोटक वगैरह इंट्राडे जीरो देता और सबसे कैपिटल सेफ कोटक, तो मतलब इज द मोस्ट सेफेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. ये सर बैंक ब्रोकर है बट मतलब आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी कोटक यूज किया नहीं है. बट मतलब try करके देखो, because you save lot of money. I don't understand why are we paying so much money for scalping and these kind of trades when we can do these trades at zero cost. सीधा आपको bottom line में add होता हो. हाँ sir, वो सही. but मतलब एक बार once you are मतलब comfortable with one thing. But you can't keep on paying money to people if you are comfortable. I mean this is a I know that crazy money you are paying for just the UI. Yes sir, I crazy. मतलब वो है नथिंग अगेंस्ट Zerodha, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट एज अ ट्रेडर एट वन पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक एवरी पेनी. आप छोटे छोटे पैसे बचा रहे हो. यस सर. और यहाँ आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो. यस सर. यस सर. मतलब दैट समथिंग व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक. बट लोग कर रहे, करने दो. यू कीप ऑन मेकिंग अदर पीपल रिच इफ यू वॉन्ट टू, बट द प्रॉब्लम इज यू आर बिकमिंग पुअरर बाई नॉट डूइंग इट प्रॉपरली. यस सर. बट मतलब इफ my what I say मतलब brokerage and government अगर सब मिला के if it is under 10% of the total profits that is also my target this year. मतलब last year तो which was not fulfilled, this year my target is I'll try to reduce it below 10. For that you need to reduce the number of trades. No, अगर आप Zerodha में कर रहे हो. Yes sir. See there's a छोड़ो ये, this is not the right video to discuss, but basically this whole concept of Zerodha, that's not zero. I mean there you are paying lot of money as brokerage. 20 rupees per order is a big number, it's not a small number. Yes sir. And ye bhi sir problem hua jab ye hamara chota hone chalu gaya. Matlab you will see the revenue with Zerodha will have next year is going to be obnoxious. Yes, because sir. People yes, are not shifting to lower cost destinations. Yes sir. Anyways ye aapki choice hai, main to aapko raaye de sakta hu. कि खाली एक वो भेड़चाल मत फॉलो कीजिए.
Yes, sir, of course. Evaluate other options because every money saved is money earned, which you will realize in long term. Yes, sir. यहाँ जो आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, yes, sir. वो आप सेव कर लेते तो आपका रिस्क कैपिटल और बेटर होता, आप अच्छा ट्रेड कर पाते. Yes, sir. मतलब I have मतलब वो consideration में लिया है all those factors, but मतलब अभी मतलब फिर से shifting करना सारा चीज, and मतलब once you are shifting वो profit भी सारे book हो जाएंगे. हाँ, तो मतलब उस पे भी टैक्स ऑब्लिगेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर. अच्छा, सर, उस पे ऐसा आ जाता है कि हाँ सर, मतलब इफ यू आर ट्रांसफरिंग, ठीक है, एटलीस्ट नया ट्रेड जनरेट करो ना वहां पे थोड़ा कैपिटल डाल के, चाहे कोटक है कोई भी हो, डजंट मैटर, इट्स नॉट दैट आई हैव रिलेशनशिप विद कोटक और व्हाटएवर. आप कोई भी ब्रोकर ढूंढिए जो लोअर कॉस्ट पे दे रहा है, जिसका टेक्नोलॉजी उतना, कौन सा जीरोधा का टेक्नोलॉजी 100% बहुत सही है, वो भी तो डाउन होते ही है. यस सर, यस सर. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं सर. यस सर. सो दैट वॉज द सेकेंड स्ट्रैटेजी. एंड द थर्ड स्ट्रैटेजी, मतलब वो भी उसमें भी ज्यादा कैपिटल में डिप्लॉय नहीं करता, वो शॉर्ट वॉल स्ट्रैटेजी है. तो जैसे आईवी रहता है, इफ आईवी ऑफ एनी पर्टिकुलर शेयर हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ न्यूज, बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, कुछ भी कारण, अगर आईवी बढ़ गया है तो आई ट्राई टू शॉर्ट द वोलेटिलिटी बाई टेकिंग एट द मनी स्ट्रैडल्स या फिर स्ट्रैंगल्स, ठीक पोजिशन साइजिंग करके, मतलब अराउंड 5 लॉट या 10 लॉट उसी पे करके आई टेक शॉर्ट वॉल पोजिशन, सो दैट जब वो रिजल्ट निकल गए या फिर जो भी न्यूज है वो चला जाए, जब वॉलेटिलिटी फिर से क्रश होगा, जब रिड्यूस होगा, तो आई विल मेक मनी फ्रॉम बोथ द कॉल सेल एंड पुट सेल, जो भी ऑप्शन है मैंने बेचा है तो उस पर करता हूँ. एंड उस पर भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब कैपिटल डिप्लॉय नहीं होता, मैक्सिमम कैपिटल मेरा स्ट्रैंगलिंग एंड इंटरडे डायरेक्शनल पे भी, मतलब अराउंड 10% उतना ही रहता है, एंड ओडब्ल्यूएस में कैश मार्केट के लिए करता हूँ, सो दैट आई स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट. ओके, सो मोटा मोटी एक बात समझ में आ गई कि यू आर इन एक्सपेरिमेंटल मोड, यू आर मेकिंग गुड मनी फ्रॉम वट एवर थिंग्स यू हैव डन टिल डेट, बट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ मेकिंग मनी, एज दे कॉल यू आर अ लर्नर ऑफ मार्केट. यस सर, ऑफ कोर्स. एंड लाइक टिल दिस पॉइंट ऑल्सो, लाइक आई फील कि एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है बहुत टाइम. इनफैक्ट आज भी मैंने मतलब जो मार्केट था लास्ट मोमेंट में गिरा, सो आई हैड शिफ्टेड अप माय पुट सिग्निफिकेंटली, तो मुझे लॉस लेके फिर से नीचे लेना पड़ा. तो मेरा टारगेट, या टेल मी द की 3 key लर्निंग्स फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, नाउ दैट वी हैव स्विच्ड ऑफ योर स्क्रीन शेयरिंग, 3 key लर्निंग्स टिल डेट इन योर वेरी यंग करियर. सो द 3 key लर्निंग्स वुड बी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच आई फील राइट नाउ इज, if your capital is small you should not come to the capital markets, the name itself is capital markets. agar aap in fact 10 lakh bhi mujhe abhi lag raha hai ki chota amount hai, because jitna hamara brokerage jayega, agar aap 10 lakh pe agar 2 lakh bhi bana liye income tax pe, wo 2 lakh pe 30% jayega. if the matlab jo aap effort dalenge use banane mein, it is not worth it. the same amount of effort if you are putting up somewhere else, you might make more. बट जस्ट बिकॉज ये बहुत स्टेप मतलब सिंपल है कि आप लैपटॉप खोल लिया, कुछ ट्रेड ले लिया, पैसा बना, जस्ट बिकॉज दिस दैट सिंपल ज्यादा लोग कर रहे हैं, बट इफ कैपिटल इज स्मॉल लॉन्ग रन में यू विल नॉट बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. लॉन्ग रन में यू विल जस्ट, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आपने बहुत सारा टैक्स दिया, आपने बहुत सारा ब्रोकरेज दिया, एंड यू आर देयर. सो कैपिटल मार्केट्स में इफ ओनली इफ यू हैव अ गुड कैपिटल, देन ओनली दैट्स नंबर 1. यस सर. नंबर 2. नंबर 2 इज, I'll be very honest, I come from a like upper middle class family. So I knew ki agar bhi matlab after graduation, if I don't do anything for 4 or 5 years, both my parents are working, so they can keep me under their hood for 5 years. And wo 5 saal mein I could have figured out ki main kya aur kar sakta hun. Just because I had that financial backing and matlab wo support tha mere family se, only because of that I could do this. But the same thing might not have been possible अगर वो financial backing नहीं होता, वो emotional stability आता ही नहीं. अगर मतलब मुझे पता होता कि मेरे पास पापा का पैसा नहीं है, तो I could not have done this. Just because वो मतलब stability था, I could do this. That is the second thing. And I'll say कि third thing is probability risk reward. Everything is revolving around that. So if you have a positive expectancy, then and only then you will be profitable in the long run. So you have to calculate कि आपका जो trades आप ले रहे हैं, probability कितना है उन्हें सही होने का. So if you have a 30% hit rate, if you are buying options,
तो अगर 30% हिट रेट है यू हैव टू हैव 1:4, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड. अगर वो नहीं रह रहा तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी नहीं आ सकता. सिमिलरली फॉर सेलिंग ऑप्शंस एंड यू हैव 75% हिट रेट यू कैन गो फॉर 1:1 और इवन लेस देन 1:1 टू मेंटेन अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी. तो मे बी दिस थ्री आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स व्हिच आई हैव लर्नड इन माय जस्ट 3 years जर्नी. Awesome. Pragyan, I'm very happy. I love your honesty, the way you have presented everything. I love the fact that you gave credit to people you have learned from, and your strategy looks to be quite a workable strategy. तो मुझे लग रहा है सबसे important जो आपकी interaction में मुझे लगा वो है you know exactly what you are doing. And the last three points were actually most important points which you mentioned with full honesty. So thank you for this small interaction, but it was totally worth it. I'm sure my learners will get lot of inputs from your interactions. Thank you so much, sir. Namaste. Thank you dosto, ye video dekhne ke liye. I hope aapko pasand aaya hoga. Achhi baat hai, kai baatein seekhne layak hai. Notes banaiye aur jab शित प्रयागनन इनका नाम है, हाँ शित प्रज्ञान, अगर ये कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं. बस आपको इनके जैसा डिसिप्लिन होना पड़ेगा. थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, बाय.